एक सेना के जवान की मिसिंग के बाद से जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जब फैमिली यहाँ पर आई करीबन 8 बजे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी जो है वो अनलॉक है और उसके आर्मी जवान जावेद के जो है स्लीपर्स भी वहाँ पड़े हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में एक सेना के जवान की मिसिंग के बाद से जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम कुलगाम में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे वीजे शफीक आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये अष्टल का गांव है जहाँ पर ये इस वक्त जो है सर्च चल रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो है वो घर है जहाँ पर ये आर्मी सोल्जर रहता था। दरअसल ये लद्दाख में पोस्ट था और ईद के सिलसिले में जो है लीव पर ये घर आया हुआ था और उसके बाद से जो है कल 8 बजे घर से ये कहकर निकले थे कि ये कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लाने गए हैं। और जैसे ही इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो मिली। और उसके बाद से जो है जब फैमिली यहाँ पर आई करीबन 8 बजे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी जो है वो अनलॉक है और उसके आर्मी जवान जावेद के जो है स्लीपर्स भी वहां पड़े हुए हैं। उसके बाद से जो है काफी पैनिक हुए और उसके बाद से जो है उनकी मां ने एक सोशल मीडिया पर मैसेज भी डाली कि जो भी उनके बेटे की मिसिंग में इन्वॉल्व है वो उनके बेटे को वापस छोड़ दे। और एक हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट भी जो है सोशल मीडिया पर रखी गई है। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अभी जो है इसमें जांच पड़ताल जारी है और सर्च ऑपरेशन भी जो है इस इलाके में लगातार जारी है। देखा आपने कि किस तरीके से आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे रखी गई है, हैवी कंटिजेंट जो कह सकते हैं सुरक्षा बलों के वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो है तलाशी अभियान जारी है। जो कि आर्मी का एक जवान जावेद मिसिंग है उसको जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए।